हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोहिनूर प्रेडिक्शंस। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं बीबीएल के 13वें मुकाबले के बारे में, यानी बिग बैश लीग के 13वें मुकाबले के बारे में, जो कि मेलबोर्न स्टार्स वैसे एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में खेला जाएगा। तो इस मैच से रिलेटेड आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किया जाएगा इस वीडियो में। ड्रीम इलेवन टीम प्लस पंटे पॉइंट्स बताया जाएगा, जो वो काफी हेल्प करेगा। अगर आप बेटिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं, सेशन खेलते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा, पंटे पॉइंट काफी हेल्पफुल हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर के बारे में। तो 7428525767 यही मेरा व्हाट्सएप, यही मेरा कॉलिंग नंबर है। आप जब भी चाहे कॉल करिए, मैसेज करिए। आप लॉस में है तभी कॉल करिएगा, क्योंकि यही आपके लिए लॉस रिकवरी नंबर हो सकता है। सारा पैसा आपका जितना बुकी को दिए हो, सारा वापस ला के दूंगा इस बीबीएल में। जाइए, कोहिनूर प्रिडिक्शंस नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करिए। वीकली 4 से 5 मैचेस यहाँ पे आते आते हैं, सेशंस भी आते हैं ओपन में, और आप मेरा काम देखिए फिर कांटेक्ट करिए। चलिए बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो मैच खेला जाएगा 27 दिसंबर, यानी कल। टाइम होगा 1:40 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। दोपहर में मैच है, वेन्यू है कैरेडा ओवल, क्वींसलैंड में मैच खेला जाने वाला है। पिच पर बात करेंगे तो एक मैच ऑलरेडी यहाँ पे बीबीएल 2019 में हो चुका है, जो कि हुआ था हीट वर्सेस सेम टीम थी मेलबोर्न स्टार्स। तो मेलबोर्न स्टार वो मैच जीती थी, फर्स्ट बैट करते हुए 167 कुछ रन मारी थी, और उसको चेज करते हुए हीट नहीं उतना मार पाई थी। तो बैटिंग सरफेस है, और थोड़ा वो जो यहाँ पे मदद है वो स्पिनर्स को मदद मिलता है। तो थोड़ा सा जो आपको अगर ड्रीम इलेवन पॉइंट ऑफ व्यू से टीम बनाना है, तो स्पिनर्स को ज्यादा पिक करिएगा तो बेटर रहेगा। प्रीव्यू ले लेते हैं। तो अगर बात करेंगे मेलबोर्न स्टार्स का, तो मेलबोर्न स्टार्स 2 मैच अभी खेली है बीबीएल 2019 में, और दोनों का दोनों मैच जीत के आ रही है। तो अच्छा मोमेंटम है, और सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी मेलबोर्न स्टार्स। वही एडिलेड स्ट्राइकर्स का बात करेंगे, तो दो खेली है, एक जीती एक नो रिजल्ट्स रहा है, और करेंटली फिफ्थ पोजीशन पे पॉइंट्स टेबल पे, मेलबोर्न स्टार सेकंड पोजीशन पे पॉइंट्स टेबल पे। तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, दोनों ही टीम अनबीटन है अभी भी। अब वेदर रिपोर्ट का बात करेंगे, तो थोड़ा सा खलल डाल सकता है रेन, 35% चांस है रेन होने का। टेम्परेचर 22 डिग्री का, ह्यूमिडिटी लेवल 76%। डकवर्थ ट्विस्ट वर्क करता है, जब बारिश होता है तो ध्यान से बेट प्लेस करना है, ध्यान रखना है। टीम न्यूज में बात करेंगे मेलबोर्न की तरफ से, तो मेलबोर्न सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरने जा रही है, क्योंकि लगातार 2 मैच जीती है, और कोई भी टीम अपना प्लेइंग 11 को अल्टर नहीं करती है, विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करना चाहती है जब तक वो टीम जीत रही होती है। वही एक न्यूज आ रहा है, डेल स्टेन वापस आ गए हैं स्क्वाड में, और हो सकता है कल का मैच खेलेंगे, क्योंकि हारिस रॉफ जो कि काफी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, 7 विकेट है, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है 2 मैच में, उनको रिप्लेस किया है डेल स्टेन स्क्वाड में, और डेल स्टेन खेल सकते हैं कल का मैच। वही अगर एडिलेड का बात करेंगे टीम न्यूज में, तो पीटर सिडल ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में के साथ बिजी हैं, बॉक्सिंग डे टेस्ट जो चल रहा है न्यूजीलैंड में वहां चले गए, तो ये आपको खेलते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। इनके जगह हैरी कॉनवे, जो लास्ट मैच खेला था इन्होंने और अच्छा परफॉर्म भी किया था, 2 विकेट निकाला था 32 रन देके 4 ओवर में, और काफी अच्छा कमबैक कराया था एडिलेड स्ट्राइकर को पर्थ के खिलाफ। तो एडिलेड भी सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरते हुए आपको देखने को मिलेगी, जो लास्ट मैच खेली है पर्थ के साथ। पंडर पॉइंट से बात कर लेते हैं, तो हेड टू हेड में इन दोनों के बीच 9 मुकाबले में, जहाँ पे स्टार्स 5 जीती है और एडिलेड 4 जीती, मतलब हेड टू हेड चल रही है, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज मेलबोर्न के साथ है। रिसेंट फॉर्म का बात कर लेते हैं, तो मेलबोर्न की तरफ से आप देख सकते हैं विन है विन है, लॉस है विन है विन है, मतलब 5 में से 4 मुकाबला जीती है यहाँ पे स्टार्स। एडिलेड का बात करें तो विन है नो रिजल्ट से विन है, लॉस है विन है, मतलब 3 मुकाबले जीती है। तो काफी कंपिटिटिव टीम है और अच्छा परफॉर्म करेगी, थोड़ा सा यहाँ पे पल्ला मेलबोर्न का भारी देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे हेड टू हेड में लास्ट 6 गेम जो ये दोनों टीम भिड़ी है उसमें आप देख सकते हैं रिसेंटली काफी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है एडिलेड। 6 में से 4 मुकाबले एडिलेड जीती है और 2 स्टार्स जीती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पल्ला एडिलेड के साथ भारी दिख रहा है। वेन्यू स्टैट्स का बात करेंगे, तो ज्यादा मैचेस नहीं हुए इस ग्राउंड पे, 4 मैचेस हुए हैं बीबीएल में, तो 2 बार फर्स्ट बैट जीती है, 2 बार सेकंड बैट। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है वो 156 का है, हाईएस्ट स्कोर है। मेलबोर्न स्टार ने मारा था 167 वही हीट के खिलाफ, और लोएस्ट स्कोर 135 का है फिनी थंडर का। अब प्लेइंग 11 का बात करेंगे एडिलेड की तरफ से, तो जैक वेदरहाल्ट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिलिप सॉल्ट, मैथ्यू शॉट, एलेक्स कैरी, जोनाथन वेल्स, कैमरन व्हाइट, कैमरन वैलेंटी, राशिद खान, वेसागर, हैरी कॉनवे और बिली स्टैनलेक। तो ये एडिलेड स्ट्राइकर का प्लेइंग 11 होगा। अब बात करेंगे मेलबोर्न स्टार्स का प्लेइंग 11 का, तो निक मैडिनसन, मार्कस स्टोइनिस, बेन डंग, ग्लेन मैक्सवेल, पीटर हैंड्सकॉम, हिल्टन कार्टराइट, क्लिंट हिंच, क्लिफी, एडम जैम्पा, डैनियल वोडाल, हारिस रॉफ नहीं खेलेंगे आप, इनके जगह आपको डेल स्टेन खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हारिस रॉफ को स्क्वाड में ही नहीं डाला गया है, और संदीप लमीचन है।
की प्लेयर्स का बात करेंगे मेलबॉर्न की तरफ से तो स्टोइनिस 97 रन है दो मैचेस में, बहुत अच्छे ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के लिए। मैक्सवेल 83 रन मारा था इन्होंने 39 बॉल में और वो मैच भी जिताया था हीट के खिलाफ, रिस्पेक्टेबल टोटल पे लेके गए थे 167 का, तो आप इनको कैप्टन में चूज कर सकते हैं। लास्ट मैच में भी विकेट निकाल के दिया, बैट से अगर नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे तो बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर देते हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन है। जेम्पा 5 विकेट है दो मैचेस में और निक मैडिसन का पिछले मैच में अगर परफॉर्मेंस का बात करेंगे तो 40 रन मारा था 39 गेंद में। एडिलेड की तरफ से बात करेंगे की प्लेयर का तो जेक वेदरराल्ड 135 रन है दो मैचेस में, एलेक्स कैरी 100 रन है दो मैचेस में, बहुत अच्छा ऑप्शन है कैप्टन में, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, वाइस कैप्टन में भी कर सकते हैं, परफॉर्म करते ही करते हैं ऑलमोस्ट हर मैचेस में। राशिद खान लास्ट मैच में कमबैक कराया, एडिलेड को जिताया पर्थ स्क्वाचर्स से, जहां पे लग रहा था इम्पॉसिबल 7 पैसा का घोड़ा पास करवा के मैंने दिया था, एडिलेड अपनी टीम थी और वहां पे भी जीती थी, 3 विकेट लेके मैच को टर्न किया था और बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं राशिद खान। मैथ्यू शॉट 34 रन मारा था लास्ट मैच में। तो ये कुछ की प्लेयर है, अब इन्हीं प्लेयर्स को लेते जो मैंने आपके लिए टीम डीएन की मैं आपको दिखा देता हूं। मैं एलेक्स केडी को पिक कर रहा हूं विकेट कीपर ऑप्शन में। मैडिन की बात करें तो वेदरऑल मैडिसन बेन डंक के साथ मैं जा रहा हूं, यहां पे आपके पास कैमरन व्हाइट के साथ जा सकते हैं आप, फिलिप साल्ट के साथ भी जा सकते हैं। ऑलराउंडर में बात करें तो स्टोइनिस मैक्सवेल और मैथ्यू शॉट को पिक कर रहा हूं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में राशिद खान एडम जैम्पा, जैसा मैंने बोला कि स्पिनर्स को ज्यादा पिक करना है तो आप उनको जरूर ज्यादा पिक करिएगा जैम्पा को, संदीप लमिचेने को भी पिक कर सकते हैं। मैं जैम्पा और राशिद खान के साथ वैलेंटी और वेसागर को पिक कर रहा हूँ, वैलेंटी बहुत बैट एंड बॉल से कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो कैडी को कैप्टन और वाइस कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल को बना रहा हूँ, यहाँ पे निक मैडिसन बेन डंक वेदरराल्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्टोइनिस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के लिए। तो ये रही टीम इंडिया टीम दोस्तों, यहाँ पे आप रिव्यू ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों। रिपोर्ट चाहिए तो कॉन्टैक्ट करना 7428525767 पे, और टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करो, बहुत फ्री अपडेट्स आते हैं हफ्ते में 4 बार तो आते ही आते हैं। कोहिनूर प्रिडिक्शंस नाम से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।